देख सकते हैं कि कितने परसेंट किसमें जीएसटी है, उसका एचएसएन कोड क्या है और उसमें किस तरीके से हम मतलब सर्च करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप उसमें से चेक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। फिर विंडो ओपन होने के बाद क्या शो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे कैसे प्रोसेस करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप की विंडो आपके ओपन होगी। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे नीचे आ रहे हैं, ये HSN कोड हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, ये टैक्स हुआ और किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमें शूज़ में करना है तो हम यहाँ पे देखिए शूज़ लिखेंगे तो ये सर्च नहीं होगा, नो मैच फाउंड। अब यहाँ पे मैं जैसे ही फुटवेयर लिखता हूँ तो देखिए ये सर्च हो गया है, ये देखिए फुटवेयर। तो इसका जो HSN कोड आया है वो आया है यहाँ पे, ये देखिए ये सब HSN कोड है। फुटवेयर में 64 भी है और 6401 भी है, 6402 भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस टाइप का, जैसे वाटरप्रूफ फुटवेयर तो उसका 6401 HSN कोड हुआ। अब आई इसमें टैक्स की बात, तो टैक्स है उसमें 18% है, जिसमें CGST जो सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल GST है वो है आपका 9% और जो स्टेट GST है वो है 9%। तो टोटल है इसमें 18% GST। तो ये हुआ हमारा फुटवेयर का निकालना। अब देखिए यहाँ पे आया है एक चीज़ और लिखी हुई है 64 फुटवेयर हैविंग रिटेल सेल प्राइस नॉट एक्सीडिंग ₹1000 पर पेयर, यानी कि 1000 से अगर नीचे है तो उसमें हमें जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो है 5% के हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। 2.5% CGST सेंट्रल टैक्स और 2.5% SGST स्टेट टैक्स, तो टोटल हो गया 5% GST। तो 5% GST बिलो 1000 रुपीज़ के अंडर जो हम शूज़ बेचेंगे उस पर 5% पे करना पड़ेगा, उससे अबव करेंगे तो हमें 18% आ रहा है, यानी कि कोई सा भी शूज़ हो आपका तो आपको 18% पे करना पड़ेगा अगर 1000 से ऊपर है तो। इसी तरीके से अब देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लोथिंग लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए इस तरीके से क्लोथिंग का आया है हमारे पास, ये हो गया HSN कोड, जो यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है तो ये चैप्टर HSN कोड हो गया, ये टेक्निकल टर्म हुआ एक। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये हुआ देखिए आर्टिकल ऑफ अप्रैल एंड क्लोथिंग एसेसरीज, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्रोडक्ट का, कितने परसेंट है CGST सेंट्रल टैक्स SGST स्टेट टैक्स और टोटल है इसमें 5%। 12% भी है, 12% किन के लिए है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या फैब्रिक है, कौन सा है, वो सब आप पढ़ लीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस में चाहिए। तो सीधे आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे मैं फ़िश मान लेता हूँ, मैं फ़िश बेचता हूँ तो फ़िश में कितना है, तो देखिए फ़िश का भी आ गया। तो ओवरऑल जितनी भी टैक्स कैटेगरीज हैं वो सब यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडीक्राफ्ट मैंने लिखा, देखिए हैंडीक्राफ्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे हैंडमेड करूँ तो शायद आए, नहीं हैंडमेड भी नहीं आ रहा है, खाकी करके देखते हैं इसको, खादी सॉरी, ये देखिए खादी आ गया है। खादी में भी 5% है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि 0% है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी है। वो क्या चीज़ है, खादी यान, इसी तरीके से खादी फैब्रिक, सोल्ड थ्रू खादी विलेज इंडस्ट्री, इस तरीके से इन पे 0% GST है। तो इस तरीके से हम GST सर्च कर सकते हैं, आप लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें क्लिक करके और इसको लिंक को सेव भी कर लीजिए अपने पास।